नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचबी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशभरी भरा समाचार प्राप्त हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा कर्मचारियों के लिए ये बड़ा तोहफा दिया गया है। तो क्या इस तोहफे में दिया गया है, तो पूरी जानकारी जो है आपके साथ साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। तो CM जयराम ने किया बड़ा ऐलान, अनुबंध पर आएंगे पीसमील वर्कर, टीममेट बनने की अवधि होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों की शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बड़ी बैठक हुई। संघ की ओर से सरकार को सौंपे गए 38 सूत्रीय मांग पत्र पर इसमें चर्चा की गई। हालांकि संबंधित विभाग, निगम और बोर्ड की ओर से मांगों पर ठोस फैसला नहीं हो सका। फिर भी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर HRTC के हड़ताली पीसमील कर्मचारियों, बिजली विभाग के जूनियर टीममेट और पंचायत वेटनरी असिस्टेंटों को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। इस बैठक में तय हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सुपरवाइजर के पद के लिए होने वाले प्रमोशन का कोटा 80 से बढ़ाकर 90% किया गया है। वहीं पिछले 5 दिन से हड़ताल पर बैठे HRTC के पीसमील कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिजली विभाग में कार्यरत हजारों जूनियर टीममेट के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 5 साल की बजाय अब 3 साल में ही टीममेट बनने का रास्ता साफ कर दिया गया है। वहीं पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को फार्मेसिस्ट बनाने के लिए भी रास्ता साफ निकालने का आश्वासन दिया गया है। अन्य मांगों पर वित्त विभाग को वित्तीय एंगल देखते हुए संबंधित विभागों, बोर्ड, निगम के साथ बैठक कर निर्णय करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अगले बजट सत्र से पूरा BMS की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी और अन्य मांगों पर भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसी अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा, SCS श्रम, RD धीमान, SCS वित्त प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री JC शर्मा, श्रम आयुक्त रोहित जम्वाल, महासचिव BMS यशपाल हेटा आदि मौजूद रहे। तो यही थी बड़ी अपडेट कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा कर्मचारियों, जिनमें अनुबंध HRTC के पीस मिल वर्कर हैं, इनको अनुबंध के आधार पर लिया जाएगा। वहीं पहले इनका कोई अनुबंध काल नहीं होता, तो ये सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं टीममेट बनने की अवधि को जो 5 साल वर्ष थी, अब इसको 3 वर्ष किया गया है। इसके अलावा बात करें तो जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है उनको 80 से बढ़ाकर 90% प्रमोशन दी जाएगी जो सुपरवाइजर के पद होंगे। तो यही थी बड़ी अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।